हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता और ब्लॉग। और गाइस, बजे अभी 3। आज मेरा 3 बजे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मुझे कल पूरे दिन पेट दर्द रही तो फीवर हो गया। सुबह उठा ही नहीं गया, उठी हर्षित के लिए उठी मैं, और इसके लिए बस जैसे तैसे 2 आलू काट के आलू मेथी सब्जी बनाई और 2 परौंठे बनाई, आटा गूंदा हुआ था, और उसको स्कूल भेजा। फिर ठह हो गई मैं और उठी हूँ अब। हर्षित स्कूल से आया है तो बेचारी लेके आए मैगी, और ये बाजार में ही खाए आए थे, और मेरी रखी रात की थोड़ी सी दाल, मैं दाल ही पीऊंगी। हैं मसाला कम डालना, मैंने सारा डाल दिया था बेटा, मसाला चाट सब नहीं, चाट मसाला हर चीज में नहीं ऐड होता बेटा। बस उठी हूँ मैं, पहले नहाई, सिर धोया, मैं थोड़ा सा सिर हल्का सा होएगा, बस तबीयत खराब ही हो गई ज्यादा ही। कुछ भी कह लगा लो, है टेस्टी है वाली यिप्पी की। यिप्पी और मैगी का थोड़ा अलग अलग टेस्ट होता है ना। और हर्षित खा रहे मैगी, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ, थोड़ा सा मुंह चटपटा हो जाएगा तो। ये जल्दी ठंडी हो जाती है बेटा, इसको जल्दी खाएगा ठीक है। मम्मी ने मुझसे वादा करा है तो मैंने वादा नहीं किया, तूने वादा किया है। पर आपने तो सब बोल दिया ना। क्या वादा किया बोल? सब पेपरों में अब 17 तक आए नंबर। 17 नहीं, 18, 19, 20 में से 18 या 19 आए, 18 से कम नहीं होने चाहिए। हाँ 18 तक आए तो एक तो वो 50 वाले 2 पेन 100 रुपये ठीक है, 100 रुपये, और जूते कॉम्बो ऑफर। हर पेपर एक में भी एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। और गाड़ी दिला दे तो गाड़ी तो है हम क्या दिला तुझे कॉम्बो ऑफर मिला मुझे जूते और एक में भी कम आए तो नहीं दिलाऊंगी। ये भी याद रखना अपने बाद में, अपना बाद याद रखूंगी तो अपना याद रखी ठीक है। उसी दिन जब सारे आ जाए उसी दिन रिक्शा में बैठा के 20 रुपये और लगेंगे। रिक्शा में बैठा के क्यों जाऊंगी, पापा जाएंगे, मैं नहीं दिला के लाऊंगी, पापा दिला के लाएंगे। ये क्या बात, मैं दिला लाऊंगी, पापा को पसंद नहीं आते फिर। ना ना पेन तो आप ले लाओगे, पेन रिक्शे में जाऊंगी। वाह वाह वाह, इससे मिलेंगे। गीता वाल ना दिलाने जाऊंगी, गीता वाल, गीता वाल वाली पैदल जाते हैं ना। हां अच्छा रिक्शा में जाएंगे? नहीं रिक्शे में तो नहीं। अच्छा तो बाल नवाब होने मिल जाएगा तू। ये गलत बात है। गलत क्या होती है इसमें? दिन भर को खत्म हुआ है, बॉयज सब छुट्टी कर लूंगा। छुट्टी आई संडे की, मैं दो तीन। और हाँ मैंने इससे भी ये भी कहा कि हमने ना मंडे को, वो संडे की रात को खाटू श्याम जी के लिए हमारी बस जाती है, तो वो हमने 2 टिकट कराई है आपकी, हर्षिता और मेरी। अगर ये अच्छे नंबर नहीं लाया तो भी हम नहीं जाएंगे, वो भी ट्रिप भी कैंसिल है तुम्हारा। क्या बात हुई। हाँ ये और मैम ने इसको पार्टिसिपेट लिया है, इसलिए गणेश चतुर्थी आ रही है गई तो आज ही। और अब मैं देख रही, मैंने कहा आप क्योंकि हम आएंगे मंडे की, नहीं ट्यूजडे की सुबह आएंगे 3-4 बजे, तो इसका ये ना हो कि मंडे या ट्यूजडे कोई फंक्शन हो, क्योंकि गणेश चतुर्थी बुधवार की है। तो मैम से पूछा था, मैम ने कहा मैं कंफर्म करके मॉर्निंग में कल बताऊंगी स्कूल में। अच्छा कब है फंक्शन? मैं यहाँ रह लूँगा और फिर मजे करूँगा। ठीक है रह लिया तो तू बहुत मस्त बात है, जाइए ट्यूशन जाइए। पहले नानी थी तेरी? मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, सिर्फ स्कूल जाऊंगा। नानी थी, नानी 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 क्लास में नहीं जाऊंगा, सब जगह जाएगा। अच्छा ये क्या बात हुई, अब घूमने जा रहा हूं मैं। गाय जब मैं बना रही हूं घिया, गाइस मेरी और तबीयत खराब, ये घिया भी बन रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं खाऊंगा। मत खा बेटा, मेरी हिम्मत नहीं आ गई, मुझे सुबह सो रहा फीवर, अब मेरी दुआ लग गई वॉमिट। तो नमकीन चावल बना ले। चावल नहीं बेटा, मैं चावल, पापा कहते हैं दाल चावल बना झाड़ काट, बट पता है क्या हुआ, सुबह कान्हा जी की छठी और सुबह बनाने कड़ी चावल, क्या हो गया दीदी खा तो नहीं बेटा, इतना नुकसान करेंगे, अभी चावल सुबह फिर चावल, तो इसलिए मैं घिया रखी थी वो खराब हो जाती, मैंने फिर घिया कट, बेटा मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने बना दी। और अब मुझे गाइस ठीक होना पड़ेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन कम रह गए हैं, तैयारी बहुत करनी है, अब गणेश जी के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा कल। मेरे पास जुगाड़ है तो क्या जुगाड़ है तेरे पास? फिलहाल सब्जी शौकी है। आप क्या बना रहे हो? घिया मोटे मोटे बनाओ, क्या चावल तो बना लेंगे, काशी भी ले
अरे भैया बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। दो रोटी और कम बनानी पड़ेगी मुझे, दिमाग लगा। तो गाइज अब क्योंकि संडे को हमें जाना है और आज तो ट्यूसडे हो गया, 3-4 दिन लगे हैं मुझे घर की सफाई भी करनी। मुझे इतना सारा काम सिर पे नजर आ रहा है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं होकर दे रही। सिर पे नजर हो देख, पूरे घर की सफाई करनी है, और एक कारपेट धोने, और एक दिन पूरे घर की सफाई, एक दिन कारपेट धोएंगे, एक दिन पर्दे वगैरह धुलेंगे, और एक दिन मुझे बनाने हैं लड्डू गणेश जी के लिए। आसान होता है, और गणेश जी भी लेके आने, एक दिन पूरा दिन लग जाता है जब हम सफाई जी लेके आते हैं। सफाई का काम तो आसान होता है। ये देखो आसान होता है। उस आसान काम में मेरा पैर चला था पिछली बार, प्रेस से नहीं चल गया था। ये रहा कितना बड़ा निशान पड़ गया, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे निशान, सफेद दाग से निशान पड़ गया है पूरे पैर पे, निकल गया। देखिए निशान धीरे धीरे। और ये अभी ट्यूशन से आया, 8:30 बज रहे हैं, इसको 2 शिफ्ट में बुलाती है मैम, मेहनत सब करते हैं पेपरों में। मोनी पापा जी आए थे, वो भी कह रहे थे ना, वो भी ऐसे ही जाता है, कृष्णा भी ऐसे ही जाता है, तू नहीं है स्पेशल एक। अब पापा कह गए दवाई ले आया, मेरा दवाई खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मेरा भी किया, मंदिर जाऊंगी, बाबा के दर्शन करूंगी, ठीक हो जाऊंगी, मंगलवार भी प्रसाद चढ़ाने। मेरा भी किया, खाने का मन नहीं है। तो मत खाओ। ए मेरा दवाई खाने का मन नहीं है तो मैं खा ही नहीं रही, मैं दवाई ही नहीं खा रही, और तेरा मन नहीं है तो रोटी ही मत खा। तो मैं बताऊं क्या करूंगा, आज तो पापा जी साथ नहीं है, सुबह मैगी मंगा चुकी हूँ, सुबह भी मुझसे खाना नहीं बना, तो मैं इसके लिए दो चम्मच पापा ने टेस्ट कराए थे, पापा ने दिया ही नहीं, कुछ सही दिए। हाँ तो 2 चम्मच टेस्ट कराए थे बस। जब बाबा के मंदिर जाऊंगा ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन तो हमारे खाटू श्याम जी में ही चले जाएंगे, और जितना आएगा उतना थकान हो जाएगी। अभी लगा लो हमारे पास सैटरडे तक, बुध भी शुक्र शनि, 4 दिन का टाइम है बस तैयारियों के लिए, डेकोरेशन वगैरह भी कर लेंगे। ढूंढ कब लाएंगे, पहले सफाई होगी घर की तब लेके आऊंगे ना। मैं भी जाऊंगा, चल देखते हैं अभी क्या होता है। मैं भी जाऊंगा फिर, तुझे बैठाएंगे गणेश जी को बैठाएंगे, नहीं स्कूटी पे लाते हैं। पता है गाड़ी में जाते हैं तो बंदे ना वो डबल डबल रेट मांगते हैं कि गाड़ी में आया बंदा, सॉलिड बंदा है। स्कूटी में जाते हैं तो बार्गेनिंग में जाते हैं, गाड़ी वालों से बार्गेनिंग करते, डबल रेट लगाते हैं। और क्या हो गया, फिर ना रेट ज्यादा लगाए नहीं जाते, भगवान जी के रेट लगाने वाले हम कोई होते नहीं है, है ना, रेट कहते भी नहीं है, लेकिन वही फर्क पड़ता है। गाड़ी गाड़ी ना फिर नहीं जाते, स्कूटी कहीं भी ले जाओ, ये होता है। मैं भी जाऊंगा, नहीं ये देखिएगा तू स्कूल से आएगा तो हम ले भी आएंगे किसी दिन। नहीं मैं जाऊंगा मम्मी, मैं जाऊंगा, हर बार जाता हूँ। तू चला जाइए फिर, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। पहुंच गए भाग भाग के मंदिर, चलो पापा को दूसरे मंदिर जाना है। खाना नहीं खा रहा है, और मैं तो बना रही हूँ, खाना है तो खा लेना, नहीं तो मैं अपना खा के नहीं उठती हूँ, फिर पापा को खिला रही हूँ मैं, फिर खानी तो बता दे मुझे। तो गाइस खाना बना रही हूँ मैं, तो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, ऐसे नखरे वाला ही। हाँ तेरी है तो खा जल्दी से अपना खाना, फिर दूंगी पापा जी को। थोड़ा सा खा के देख ना, थोड़ा सा टेस्ट करके देख, अच्छा टेस्ट करके देख, मैं खा लूंगी। हर्षु थोड़ी सी वो, अच्छा जा गिर जाएगी सब्जी, जा चल निकल, गिर जाएगी, टंग से पकड़ो उसको।
गाइस हम भी खाते खाना, मैं भी खा रही हूँ। एक रोटी बनाई मैंने अपने लिए, क्योंकि मन नहीं कर रहा है, वॉमिट बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मन ही नहीं कर रहा, लेकिन एक रोटी तो खाऊंगी ताकि नींद आ जाए। और लाती थोड़ी सी चटनी, चटनी स्टोर करी हमने बना के, थोड़ी सी खाते हैं। चटनी से ना सब्जी स्वाद से लग जाती है। किचन का काम तो निपटाया हूँ, और हर्षित के पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसका कल पेपर है, और इसने पेपर गलत है ये वाला। मैंने कहा था अपना आप चेक कर ले, चेक कर रहा है, लेकिन मैं ही चेक करती हूँ एक बार। नहीं नहीं क्या ला, मैं करती हूँ चेक, ठीक है ला दे, कॉफी दे। ये सही है सारे? तो गाइस हर्षित को पढ़ाते पढ़ाते बज गए 12:30। अब मैंने कहा सुबह उठ के पढ़िए, कह रहा मुझे 5 बजे उठा देना, 5 बजे तो क्या ही उठेगा ये, 12:30 बज रहे, 1 बजे तक सोएगा। उसके में जाके ब्रश वगैरह सब कर अपना, और मैं दूध गर्म करी, दूध पी के सो। और गाइस ये है कि अब रोटी खाई तो मैंने बच गई, उल्टी नहीं हुई मुझे, बस आई होप मैं सही रहूँ भगवान, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम दिख रहे हैं, और बस मुझे सही होना पड़ेगा। ये लगा लो, ये तो थोड़ी सी सही होती तो हिम्मत आ जाती है। देखो कोई बड़े होने का शौक तो है नहीं, पड़े रहो जबरदस्ती, क्योंकि रोटी तो फिर भी बनानी है, कपड़े मुझे ही धोनी है, सारा काम तो मुझे करना है, तो इसलिए कोई जान के नहीं पड़ता गाइस ये बीमारी में। अब दूध गर्म कर दूँ मैं इनका, दोनों का मैं तो लूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पेट में इन्फेक्शन है, तो मुझे तो नुकसान करेगा दूध, इन दोनों को देती हूँ पापा बेटों को। तो चलो गाइस मैं, मुझे भी सोना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। क्या है, फेस वॉश नहीं थी क्या है, लोशन गिरा, मैं लोशन ढूंढ रही हूँ हर्षित का फेस पे लगाने का, और यहाँ मिला है मुझे, मैं अंदर ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं अंदर रखती हूँ और अंदर ही ढूंढ रही थी, लाइट वगैरह ऑफ करती हूँ मैं। तो चलो गाइस इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, और कमेंट्स करके जरूर बताना गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, प्लीज़ गाइज लाइक तो बनता है।